Hi guys, here is Shahzad Ahmed and welcome in lecture number 28. आज हम कांस्टेंट के बारे में देखते हैं कि हम अपनी वैल्यूज जो है वो कैसे कांस्टेंटली सेट कर सकते हैं. कांस्टेंट्स आपको पता है कि हम किसे कहते हैं. कांस्टेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जैसे पाई बाय एंड आपकी आईपी एड्रेसेस के रूल्स, वो कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा एक ही रहते हैं. एंड ऐसे ही एग्जाम्पल आप बहुत ले सकते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला या कुछ भी जो हमेशा कांस्टेंट रहे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमने कांस्टेंटली एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है. वेरिएबल्स के बारे में ये है, जैसे आप ग्लोबली वेरिएबल्स जो है डिफाइन करते हैं एंड वेरिएबल आपको पता है कि आप चेंज कर सकते हैं कभी भी वैल्यू. कॉन्स्टेंट्स ये है कि आप वैल्यूज जो है चेंज नहीं कर सकते उसकी एंड उसे डिफाइन भी नहीं कर सकते कहीं और. ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है. मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो दिया हुआ है कॉन्स्टेंट्स में, एक स्ट्रिंग जो है सेव किया हुआ है कॉन्स्टेंट्स में, एक स्ट्रिंग जो है रखा हुआ है अपने कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास बेसिक सेंटेक्स है पीएचपी का, मैजिक टैग्स, मैजिक टैग्स. ठीक है, एंड इन्हें कहते हैं मैजिक टैग्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफाइन जो है वो कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स हमेशा जो है वो कीवर्ड से डिफाइन होते हैं जिन्हें हम डिफाइन कहते हैं. कीवर्ड डिफाइन है हमारा. ओके, जैसे आप डॉलर जो है वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर इंस्टेंस वन इक्वल्स टू, फॉर इंस्टेंस अगर आप स्ट्रिंग का डाटा देंगे तो स्ट्रिंग के डाटा में आप ऐसे देंगे वेलकम इन शेक्सी.com. ठीक है, तो आप स्ट्रिंग में डेटा ऐसे देंगे, बट हम डिफाइन की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, कॉन्स्टेंट को आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे एंड आप पैरामीटर पास करवाएंगे कुछ. एंड फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा हमारा, नेम होगा कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट वेरिएबल का नेम होगा जो कैपिटल लेटर्स में होगा. ठीक है, आप यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस शेखजी. ठीक है, नेम है आपका एंड आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर आप वैल्यू देंगे. आप जो ये वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं. ठीक है, मैं लिखता हूँ वेलकम इन शेक्सी.com वेयर यू कैन लर्न मैनी थिंग्स. ठीक है, सेव करते हैं एंड सेमी कॉलन देते हैं, एको करवाते हैं. एको एको हम करवाएंगे. ठीक है, जो हमने ऊपर वैल्यूज जो है वो डिफाइन की हुई है. वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं. आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम इन शेक्सी.com वेयर यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, जो हमने यहाँ वैल्यू डिफाइन की हुई है वो यही जो है हमें दिखा रहा है. मेक श्योर जब आप डिफाइन करें वैल्यू तो कैपिटल यूज करें लेटर्स. ठीक है, एंड जब आप एको करेंगे तब भी जो है वो कैपिटल यूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस अगर हम स्मॉल जो है लेटर्स यूज करें तो तब क्या होता है, फिर देखते हैं. ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे. आप देख सकते हैं कि वो एरर दे रहा है हमें, यूज ऑफ अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स. वो कह रहा है कि ऐसा कॉन्स्टेंट्स कोई भी जो है डिफाइन नहीं किया गया. ठीक है, तो आप चीजों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, क्लोन बनाते हैं. ठीक है, एंड आप वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपने देखा कि एक कॉन्स्टेंट्स बाय डिफॉल्ट जो है ये थर्ड पैरामीटर लेता है जो फॉल्स होता है. ठीक है, फॉल्स मीन्स वो हमेशा जब भी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, जब भी जो है वेरिएबल डिफाइन करेंगे कॉन्स्टेंट्स का, वो कैपिटल लेटर में ही आएगा. ठीक है, एंड आप उसे कैपिटल लेटर में ही जो है एको करवाएंगे. ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो स्मॉल लेटर्स में हो, आप एको करवाएं जब, एंड आप यहाँ भी स्मॉल लेटर्स में दें. ठीक है, तो हम इसे जो है वो कमेंट करते हैं एंड यहाँ आते हैं
हम एक और जो है वो कॉन्स्टेंट हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन जो है कीवर्ड से, एंड हम यहाँ जो है फॉर इंस्टेंस अपना वेरिएबल देते हैं शेक्सी, ठीक है, एंड यहाँ लिखते हैं वेलकम, ठीक है, एंड यहाँ हम जो है ट्रू कर देते हैं, थर्ड पैरामीटर हम ट्रू पास करवाएंगे। हम उसे कह रहे हैं कि जो हम ये वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट बनाने जा रहे हैं, वो ट्रू होगा, मीन्स हम जो है लोअर केस यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद में आके आप यहाँ पे लोअर केस से हाँ एको करवाएंगे, डिफाइन को वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। एंड हमने सेमी कॉलन नहीं दिया, दैट्स व्हाई, ठीक है, वेलकम एंड शेक्सी, ठीक है। आप इन रियल एग्जांपल में आप कैसे रख सकते हैं कि आप आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू जो है फिक्स है, ठीक है, तो आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं ऐसे जो है कॉन्स्टेंटली रख सकते हैं, या आपको पता है कि पाई बाय की वैल्यू क्या होगी तो क्या होती है एंड वो कॉन्स्टेंट ही रहती है, आप वो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, एंड मैनी थिंग्स जो आप डिफाइन करना चाहें आप वो डिफाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।